हेलो डिसाइपल्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे एक्सरसाइज 2.6 का चल रहा है। ठीक है, इस चैप्टर का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। एक और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचा हुआ, एक्चुअली इस चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज है और लास्ट एक्सरसाइज का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को ख़त्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमें गिवन है, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। ठीक है, दो लोग हैं हरी एंड हैरी, उनकी एज जो दे रखी है रेशियो में दे रखी है, 5:7 में दे रखी है। ठीक है, 4 years फ्रॉम नाउ, उसके बाद क्या करें, अभी से 4 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। 4 साल बाद उनकी जो एज का रेशियो हो जाएगा ना, वो 3:4 में हो जाएगा। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज हमसे पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट। ठीक है, जो हमें पूछा जाता है निकालना है, वही हमें लेट करना होता है। ठीक है, एट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, आई मीन सब 5x हो जाएगा, क्योंकि हरी पहले आया। ठीक है, तो हरी की जो है 5x हो जाएगी। अब जब रेशियो में गिवन होता है हमें, तो हम इसी तरह से इसको लेट करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सही कर दे रहा हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू 5x, देन द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी। अब मैं ऐसे डॉट डॉट करके कर दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, हैरी इज इक्वल टू हो जाएगा 7x ऑब्वियसली, देन क्या करें, 4 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, 4 साल बाद। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ हैरी, या हरी, एज ऑफ हरी लिख लेते हैं पहले। ठीक है, हरी की एज 4 साल बाद कितनी होगी, ऑब्वियसली अभी की एज 5x है, तो 4 साल बाद 5x प्लस 4 हो जाएगी, राइट। एंड अगेन 4 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ हैरी। ठीक है, मैं यहाँ डॉट डॉट करके लिख रहा हूँ ऐसे डैश, आपने इसको पूरा लिखना है। ठीक है, हैरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7x प्लस 4 हो जाएगा, राइट। अब आगे क्या कह रहे हैं, देखिए, द एजेस द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। ठीक है, इनकी जो ये जो हमारा आया है ना, ये 4 साल बाद का जो रेशियो होगा वो किसके रेशियो के बराबर हो जाएगा, 3:4 के। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो इस समय, आई मीन जो 4 साल बाद एज का रेशियो जो इनका आएगा 7x प्लस 4, वो किसके बराबर होगा, वो 3:4 के, मतलब 3/4 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिंपल देखिए, लास्ट हमारे जो क्वेश्चंस अभी तक हुए हैं 1, 2, 3, 4, उसी तरह का ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, जिससे हमें थोड़ी सी स्पेस मिल सके, और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x प्लस 4 से, राइट, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x प्लस 4। आई होप आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है। करेंगे तो 4 5 20x प्लस 16 इज इक्वल टू 21x प्लस 12, राइट, x वाले एक टर्म एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ, तो 20x माइनस 21x इज इक्वल टू 12, और ये इधर आ जाएगा माइनस का 16। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए, अब x की वैल्यू 4 आई है, हमसे निकालना पूछा क्या था, हम यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, हमें प्रेजेंट एज निकालनी थी दोनों की। तो अभी हमारे पास x की वैल्यू आई है, प्रेजेंट एज हमारी हरी की 5x है और हैरी की 7x है, तो हम सिंपली लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, यहां पे लिखेंगे हेंस प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज इक्वल टू कितना था, 5x, राइट, 5x। तो यहाँ पे हम 5 की मल्टीप्लाई सॉरी 4 की x की वैल्यू 4 रख लेंगे, तो 5 4 20, तो यहाँ पर आ गई 20 years, एंड
प्रेजेंट एज, ये लास्ट में आपको लिखना जरूर है, ऑफ हैरी, ठीक है, अदरवाइज गलत नहीं होगा, बट इसको लास्ट में आपको डिफाइन जरूर करना है कि हाँ हैरी की, हैरी कितनी एज है और हैरी की इतनी एज है, 7x, ठीक है, तो 7 4 20 8, ठीक है, तो ये हमारी एज प्रेजेंट निकल आई हरी और हैरी की। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में फिलहाल इतना ही है और इस वीडियो में फिलहाल इतना। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का, एक्चुअली इस चैप्टर का। तो मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।